2020 में जब एनडीए सरकार बनी थी तो ये बात उसी समय से कहना शुरू हो गया था लोग, और ये बातें सामने खुल करके आने लगी थी कि नीतीश कुमार मजबूरी में सीएम बने हैं, ये लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। भारत लाइव ने तो 24 महीने का एक डेडलाइन भी निश्चित कर दिया था कि 24 महीने के पहले ही नीतीश कुमार पाला बदल देंगे। बिल्कुल वही हुआ, लेकिन जब पाला बदल दिया नीतीश कुमार ने तो अब एक बात कही जा रही है कि महागठबंधन के भीतर नीतीश कुमार आ तो गए हैं लेकिन ये और कम समय तक टिक पाएंगे, यानी कभी भी सरकार बदल सकती है और नीतीश कुमार बाहर हो सकते हैं। इन बातों को लेकर के इसके तर्क क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की स्थिति है और नीतीश कुमार पर भरोसे का अभाव हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के बदली हुई परिस्थिति में जो 24 घंटे का अपडेट है वो काफ़ी कुछ महागठबंधन सरकार यानी कि नीतीश तेजस्वी सरकार को लेकर के संशय पैदा कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जगदानंद सिंह ने जो बयान दिल्ली में दिया था उस बयान पर बवाल मचा और जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। यहाँ तक कि जदयू के नीतीश कुमार के बाद एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर के जो लोग हैं उनकी चौकड़ी जो है उन चौकड़ी ने सीधे हमला जगदानंद सिंह पर कर दिया और यहाँ तक कि कई लोगों ने जगदानंद सिंह को कुछ समझा ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि वो हैं कौन, उनके बयान का क्या वैल्यू है, उनको जवाब हम नहीं देते हैं, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। और वो जगदानंद सिंह अब एक्शन में आ गए हैं। जगदानंद सिंह ने इन बातों को लेकर के काफ़ी दिल पर पत्थर रखते हुए ये घोषणा कर दी और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी हैं, विधायक से लेकर के एमपी हैं, सभी लोगों को ये सूचित कर दिया कि कोई भी महागठबंधन सरकार के पक्ष या विपक्ष में उसको लेकर के कोई भी बात नहीं करेगा। इसकी एक नोटिस जारी हो गई। इस नोटिस के बाद तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली और इन सारे बातों को होने में अभी 24 घंटा भी नहीं बीता था कि जगदानंद सिंह के पुत्र और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के 17 साल के शासन और 17 साल की नाकामियों को लेकर के बार बार हमलावर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है कृषि मंत्रालय और किसानों के साथ हम अन्याय होता नहीं देख सकते हैं, किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में मेरा इस पद पर बने रहना यही दर्शाता है कि मैं चोरों का सरदार हूँ। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि कई बार मैंने भी जगदानंद सिंह से बात किया है और बाप पर पुत पिता पर घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए जगदानंद सिंह लगातार कृषि मंत्रालय को लेकर के खुद भी कृषि मंत्री रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है उसकी चर्चा आज भी होती है। कृषि को लेकर के काफ़ी सजग रहने वाले जगदानंद सिंह, क्योंकि उन्हें पता है और उनको इस बात का आभास भी है कि अगर कृषि का क्षेत्र डैमेज हुआ तो बिहार पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा और कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। उनके बेटा को कृषि मंत्रालय मिला और ये सोच करके मिला था कि जो सबसे ज़्यादा आय का साधन है उसको बेहतर ढंग से समायोजित किया जाए। मंडी को लेकर के, अन्य बातों को लेकर के जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन चला उसको लेकर के भी जगदानंद सिंह ने समर्थन किया है, एक तरह से मान के चलिए सुधाकर सिंह का। पटना में बेटे के उठाए मुद्दे का समर्थन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजनीति में मुद्दा उठाने के साथ ही त्याग भी जरूरी है ये बातें कही है। इसी का कारण है कि उनके बेटे ने त्यागपत्र दे दिया है। आपको बता दें कि किसानों के हित में सुधाकर सिंह ने दिया है बलिदान, ये बातें कह करके उन्होंने कहा कि बिहार समेत पूरे देश में मंडी कानून की है ज़रूरत। मंडी कानून के लिए किसानों का आंदोलन चला था देशव्यापी, जिसको लेकर के केंद्र सरकार को भी अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सुशील मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी लगातार बयान दे रही है, बोल रही है, और ये अब पूरी तरह से कहा जाए तो मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पूरी तरह से जाल में तेजस्वी यादव ये एग्रीमेंट करके साथ में आ करके फंस गए हैं। जहाँ एक तरफ उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारियां चल रही थी, उसके लिए सब कुछ तय हो गया था, मुकुट भी ले लिया गया था, बस सिर्फ दो कदम और दूरी रह गई थी, लेकिन इससे पहले ही दम तोड़ दिया सब्र जो है वो तेजस्वी यादव का, और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी।
लालू प्रसाद इसके समर्थन में नहीं थे और न जगदानंद सिंह थे। दोनों को पता था कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पार्टी सहित सरकार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा, पार्टी के भीतर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि कुछ संभालने का, बहुत कुछ संभालने का कोशिश जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद ने किया है, मंत्रिमंडल के गठन में अपना हस्तक्षेप करके नीतीश कुमार के सामने कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया है जिनका जवाब नीतीश कुमार सीधे तौर पर नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक शुरू है। एक को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया गया और दूसरे ने स्वतः इस्तीफा दे करके, और ये कहते हुए कि सरकार और विभाग, जिस विभाग को दिया गया है, इस तरह का एक विभाग नहीं है, सभी विभागों में इस तरह की प्रक्रिया चल रही है और जो लोग चुप हैं उनको मुखर होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक सूझबूझ से जो फैसला उन्होंने किया था उसके बाद नीतीश कुमार के साथ आने के जो फायदे हैं और घाटा है वो समझ में आने लगा है, और इसको लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद के सामने सरेंडर कर दिया है। अब देखना होगा कि इस इस्तीफे के बाद राजनीति किस तरह से करवट लेती है, क्योंकि अब यहीं से शुरू होता है एक नए दौर की राजनीति, नए तरीके की राजनीति। और जगदानंद सिंह चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो फैसले लेने का अधिकार उनके पास है, और वहीं लालू प्रसाद जगदानंद सिंह पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो क्या सरकार संकट में है? ये बातें भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि दो महीना भी नहीं हुआ, 60 दिन से पहले ही सरकार में इस तरह की उथल पुथल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386